डॉक्टर रामनानी ने जब मुझे फ़ोन किया आपको पहला शिविर अटेंड करना है, तो एक तो उनका मैं हर वाक्य मन से प्रेरणादायक लेता हूँ, मेरे लिए वो योगा में प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी हैं, तो मैं इमीडिएट हाँ बोल दिया और आ गया यहाँ। तो यहाँ तो परसों से हैं हम, 16 तारीख से, लेकिन बहुत आराम से आनंददायक है और कुछ भी तकलीफ, किसको भी मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और ये जैन योगा मेरे हिसाब से जो दो दिन मैंने अटेंड किया है शिविर, ये उन्नत प्रक्रिया है, ये आगे जाने एडवांस है। पहले सभी अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उनसे उन्नत है। आज के आधुनिक ज़माने के हिसाब से बहुत हम उन्नत लेके जा रहे हैं। डॉक्टर रामनानी सर, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है और वो एक जो एक तरीका है समझाने का, वो बहुत आसान है। तो हर साधक को और आने वाले जो भी साधक हैं, जो इच्छा रखते हैं, उनको इसका लाभ लेना चाहिए। सुरेश लोकरानी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। लोकरानी साहब इस वर्ग के बहुत ही वरिष्ठ साधक। यह है विशेष अतिथिगण, हमारे प्रिय रामदास साहब, प्रिय भी अति लोकप्रिय किशन कपूर जी, विशेष अतिथि सुरेश पवार जी, दादा रामनानी जी, मेरे प्रिय अभिमित्र अनिल जी, मेरे योगा गुरु डॉक्टर रामनानी जी, आए हुए मेहमान, मेरे साधक दोस्त जो आज के वर्ग में मेरे साथ में थे, मैं उनका नमन करता हूँ। ये जो वर्ग रहा, ये प्राथमिक कोर्स का आज का समापन का दिन है, इसको मैं तो नहीं समझना, जो भी हमारे साधक थे साथ मेरे, कोई उनको भूल पाएगा। ये प्रथम अवसर था, हमारे लिए भी प्रथम था, लेकिन विशेष डॉक्टर रामनानी के लिए जो उन्होंने सपना एक संजोया था, जिसके माध्यम से ये प्रथम एक उन्होंने पूरा किया और सफल तो रहा ही, लेकिन वो अति सफल मेरे हिसाब से। हर चीज हर दिन सुबह से 6:30 और रात 11 बजे तक हर चीज नियमानुसार समय अनुसार कोई विघ्न नहीं, हर चीज पहुंच जाती थी। और लेकिन सभी साधक भी पहुंच जाते, डॉक्टर साहब भी आते थे, लेकिन उनके जो 27 व्याख्या है मैं उनके पीछे थोड़ा लगे रहूँगा, जो उन्होंने पुस्तक डॉक्टर सैन साहब की इंग्लिश में थी, उन्होंने हिंदी में रूपांतर किया। कितना कठिन काम होगा हिंदी में रूपांतर करना योग अभ्यास, लेकिन मैं भी सोचता था ये योग अभ्यास की पुस्तक, जब मुझे उन्होंने दीपावली के तोहफों के हिसाब से भेजा, मैं इसमें तोहफा है मेरा, तो मैंने बोला तो ये पुस्तक थी और थोड़ा पढ़ा और यहाँ के जो समझा उन्होंने जैसे सिखाया समझा व्याख्यान में, तो लगा ये पुस्तक तो है नहीं, ये तो ग्रंथ है, इसमें दोनों चीज है, योग भी है और स्व चेतना जागृत करने की विधियां भी है, स्व शरीर को समझने की एक एक चीज सूक्ष्म समझाई गई है, तो ये तो डबल काम हुआ। मैं तो सोचता हूँ, अनिल सोचता हूँ, दादा को क्या हुआ ये 23 साल को बरस हुआ, लेकिन नहीं अनिल, ये सफल है, बिल्कुल सफल है मेरे हिसाब से, कि सभी बातें जो आज तक हमने नहीं समझी थी, योग अभ्यास करते थे वो अलग सब्जेक्ट था, लेकिन ये उत्तम उन्नत योग अभ्यास एडवांस है, जो आपने क्रियाएं देखी उतनी है, लेकिन सब सरल अच्छी और सब चीजें आ जाती, सेहत के हिसाब से कोई तकलीफ नहीं और उसको करने के हिसाब से भी कोई तकलीफ नहीं। बाकी क्या चाहिए, बाकी जो विधियां समझाई है पुस्तक की उन्होंने, उसको ग्रहण करना तो हमारा काम है, और उसका आगे कैसे लेके जाएं, उसको कैसे समझाएं, कैसा प्रचार करें, उसको आगे अपने परिजनों को बोले, अपने दोस्तों को बोले, अपने रिश्तेदार को बोले कि ये चीज बाबा यहाँ ही मिलती है, दवाइयों को गुम करना है तो सब याद है, ये मेरे काम में सही है।
जो मार्ग जो शेयर साहब ने ये इंग्लिश में दिया है उसको जो रूपांतर है सरल रूपांतर, लेकिन समझाने का सरल उससे भी ज्यादा है डॉक्टर साहब का। बहुत मेहनत किया है और मेहनत तो करते ही रहते हैं, मेहनत से उनको परहेज नहीं है, मेहनत करना और काम करना ये तो उनका शुरू से स्वभाव ही रहा है। डॉक्टर शुक्ला साहब ने जो 10 व्यक्तियों का हमारे योगा में वो भारत में विशेष विशेष है, जैसे रविशंकर जी, पतंजलि मुनि, जो भी आदि आदि पहले से आए हैं उनका सबसे 10 नामों में फर्स्ट नंबर डॉक्टर दिया था डॉक्टर सहर साहब का, बरोबर है। उनका आकलन उस टाइम के हिसाब से बरोबर था, उसमें कोई उनकी गलती नहीं है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि जब आगे अगले वर्ष में या एक दो वर्ष के बाद फिर आकलन करेंगे तो 10 के बाद उसके व्यक्ति बढ़ जाएंगे, मेरे ख्याल से वो होंगे डॉक्टर रामनानी। जो है यहां वो समझते होंगे, जिसने जो ये चीज समझी है, जो योग अभ्यास के हिसाब से, जो सेहत के हिसाब से माध्यम से वो समय समझा रहे हैं, लोग कल्याण कर रहे हैं, जो जिसको जो फायदा मिलता है उसका तो विवाह तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो आने वाला समय बताएगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे जो डॉक्टर रामनाई सर हैं और हमारे योग में मार्गदर्शक हैं, जो जिस लाइन पे वो चलते हैं वो खाली देखते हैं, मैं और मेरी फैमिली, मेरे साथी, मेरे दोस्त लोग उनके पीछे पीछे चुपचाप चलते हैं। अजीत जी को कभी कभी अभी समय कम मिलता है, वो बाहर काम करते हैं इसलिए, लेकिन वो भी मेरे साथ होते हैं। 10 आदमी ने पूछा किधर है, लेकिन वो उसकी उस टाइम में मजबूरी थी। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, एक ही पीछे चलना चाहिए। व्यवस्थित काम है, काम कुछ है ही नहीं, और डिसिप्लिन, जैसे जो इनके भी जो हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता थे, 6:30 बजे जो उनको बंदोबस्त करना होता, देखते आदमी हम 6:30 से जो 11 बजे जो भी होंगी जो समझाया गया था, चाय देना है, टाइम सर नाश्ता देना है, भोजन देना है, शाम की चाय देनी है, सब टाइम सर रेडी। वो बुलाते थे भाई आ जाइए जल्दी, तो माहौल तो कैसा बन गया, जो उसमें बिल्डिंग में भवन में गए होंगे और कभी आपके रात को हमको देखते तो ऐसा लगता था उस टाइम तो हम अपना तनाव को भूल के योग अभ्यास का जो भी था ये पढ़ाई का भूल के हम जैसा सब ऐसे बैठे थे, कोई पिकनिक मनाने को आए, बाहर का आदमी थे तो ये लोग पिकनिक करने आए क्या। उस टाइम जो हमको आधा 30 मिनट मिलता था सभी अपने एंजॉय करके सभी अपनी थकान भूल जाते थे, मेरा ऐसा अनुभव जो मेरे को देखता था ऐसा ही था, माहौल ही ऐसा बन गया था, चेहरे पर किसी को शिकन नहीं, तो ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहूँगा भाई जितने शब्द उनके लिए बोलूं बहुत कम है, पहले भी मेरे साथियों ने बहुत कुछ बोला है, फिर मैं इनको नमन करता हूं, जो उन्होंने मार्ग अपनाया है, जो नया मार्ग लिया है, वो उस मार्ग पे चलते चलते अति बहुत ही बहुत आगे बढ़ जाए और इतने इतने काम करें कि दुनिया उनके गुणगान करे। हरिओम।